क्या कलाकारी है यहाँ के लोगों की। ये देखो ये, आइए इस मौके से फोटो खींचते हैं उस तरफ का। सेकेंड हवा महल सबसे ऊपर, ये देखो इधर से देखो ये सीन। तो मिलेंगे नित्य संगीत करते हुए उनकी कुछ फलकियां हैं, 50 फीट तक ऊंची होती है ऊंचा मखौटा, पैनल ग्लाइडिंग वाले बड़े कच है इसका प्रवेश, एक बड़े साहित्य। तो हवा महल का इतिहास तो बहुत काफी प्रसिद्ध है, लाल चंद्र पुस्ता नामक वास्तुकार द्वारा डिजाइन किया गया शानदार मंदिर और मंदिर। वेलकम टू माई न्यू ब्लॉग, कैसे हो आप सब, उम्मीद अच्छे होंगे, मैं भी अच्छा हूँ। स्वागत करता हूँ आज के एक न्यू ब्लॉग वीडियो में। आज हम पहुँच गए हैं राजस्थान में जयपुर में, यानी कि हवा महल में। घुमाते हैं आपको कौन कौन सी चीज़ें यहाँ पे देखने को मिलेंगी। वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहिएगा, चैनल को पहली बार चैनल को लाइक करके सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन पाल पे सेट कर दीजिए, हमारे नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हम आ गए हैं टिकट काउंटर पे, यहाँ पर टिकट कटता है जो इसी रोड से ऊपर जाते हैं। 22 रुपया एक आदमी का लगता है, हाफ टिकट बच्चों का और 52 रुपया एक वयस्क नागरिक का लगता है किराया। ये है एंट्री का रास्ता, तो चलिए इस रास्ते चलते हैं हम लोग। टिकट हमने ले ली, ये रही 5 लोगों की। अब चलते हैं इस रास्ते हवा महल के अंदर, है ना। बाकी भैया लोग अंदर चले गए हैं, आ गए हवा महल के अंदर। ये रहा शानदार नज़ारा हवा महल का। पहली बार मेरे चैनल पे हवा महल की वीडियो आप सभी लोग देख रहे हैं। गाइस अपना बैग आप यहाँ रख सकते हो निःशुल्क, एक आईडी देनी पड़ेगी, आप अपना बैग यहाँ रख दीजिए, उसके बाद फिर अंदर की एंट्री करिए। ऊपर हम लोग वहाँ चलना है जहाँ सभी लोग हैं वो। ये हमारा एंट्री गेट है, इसी से चलेंगे। इधर से हम लोग अंदर आए हैं, पर फव्वारा बना हुआ है, अभी तो ये बंद है, लेकिन आप देखो किस तरह से बना हुआ है फव्वारा पानी का। देखिए चारों तरफ फूल लगे हुए हैं, ये अंदर का हवा महल है। वाह, यहाँ पर संगीत आपको सिखाते हैं यहाँ की। संगीत चल रहा है, बहुत ही अच्छा लगा। छाप चिलक दे दीनी तुझे नैना मिलाएगी। वाह, इधर अंदर की तरफ विदेशी सैलानी भी यहाँ लोग आते हैं। और अभी हम चलते हैं ऊपर, ऊपर चलते हैं जहाँ पे चलना है। ये देखो ये एंट्री है, यहाँ से हम एंट्री करते हैं ऊपर। बहुत ही प्यारा लग रहा है अभी से ही, थोड़ा सा कूल महसूस हो रहा है। हम लोग आ गए यहाँ से, ये देखो आप कितना शानदार नज़ारा है। वाओ, हवा महल। यहाँ से हम लोग नीचे से आए हैं, वहीं से हम लोग एंट्री इधर अंदर किए हैं, ये फव्वारा रहा और इधर से एंट्री अंदर कर गए। ये देखो अंदर चलते हैं। आपने अब चलते हैं सीढ़ी से ऊपर हवा महल का। ये पहला महल पहला था तल, अब दूसरे तल पे चलते हैं हम लोग। वाह, घूमते घूमते आ रहे हम लोग। ये रहा, इधर से बंद है और इधर से एंट्री इस बार है। ये देखो हम आ गए सेकंड तल पे, प्रथम तल था
ये सेकंड तल पे, ये देखो यहाँ भी लोग सेल्फी खींच रहे हैं। वाह, ये भी सेल्फी पॉइंट ही है, लोग आकर के यहाँ पे सेल्फी खींचते हैं। और आइए इस मौके से फोटो खींचते हैं उस तरफ का। सेकेंड, अब इसके ऊपर हम चलेंगे, इसके ऊपर हम लोगों को जो है सीढ़ियों से जाना होगा। यू के रास्ते हम चलते हैं अंदर, ये रहा ऊपर, इससे हम ऊपर की तरफ जाएंगे। ये बहुत सकरा है, उधर तो काफ़ी चौड़ा चौड़ा सीढ़ी मिला, लेकिन इधर का भी रास्ता है, इस रास्ते हम बाद में चलेंगे, पहले हम चलते हैं ऊपर। आज हवा महल का दर्शन हो रहा है, बहुत प्यार से लोग वीडियो देख रहे हैं। वाह, लोग सबसे ऊपर, और यहाँ से जब हम लोग ने उतरे हैं तो वहाँ हम लोग उतरे, वहाँ से ऊपर आ गए। अब यहाँ से जयपुर का पूरा दर्शन यहाँ से हो रहा है, ये देखो। अभी हम सेकेंड तल पे थे वहाँ पे, और फिर वहाँ से इस तल पे आ गए, और ये रहा लास्ट जहाँ पे अभी हम आपको ले चलेंगे, हवा महल। ये रहा ऊपर, ऊपर चलने से पहले पैदल चलते हैं, ये छोटा सा है, चलते हैं। अभी वो सेकेंड वाले लास्ट में जाएंगे, पहले हम इधर चलते हैं छोटी वाली गली से। आ गए, बहुत पतला है, वाह क्या सीन है, इधर से देखो ये सीन रहा। नहीं, ये हवा महल से दोस्तों, यहाँ से जयपुर पूरी की पूरी देख रहे हो, पहाड़ कितना शानदार नज़ारा लग रहा है, और यहाँ पे काफ़ी ठंडी ठंडी हवाएं भी चल रही हैं, वाह दिल को सुकून दे रही हैं, क्या बात है। यहाँ पे काफ़ी लोग यहाँ पे फोटो ले रहे हैं और आनंद का अनुभव ले रहे हैं, आप भी हमारे साथ इस आनंद का अनुभव ले रहे हैं ना, कमेंट ज़रूर करिएगा, है ना, बहुत मेहनत कर रहा है आपका भाई। अब चलते हैं नीचे अंतिम लास्ट छोर पे, ये यहाँ पर एक ही आदमी ऊपर जा सकता है, और जब उतर जाएगा तभी नीचे जाएंगे। ये लास्ट, ये आ गए हम लोग लास्ट छोर, हवा महल सबसे ऊपर, ये देखो हवा महल, ऐसी सैनानी में मिले गए जो पर्यटक के साथ लोग वार्तालाप भी करते हैं, घूमते हैं, यहाँ के बारे में जानते हैं। देखो ये लास्ट छोर रहा दोस्तों हवा महल का, जिसका बेसब्री से कब से इंतजार था। और यहाँ से ये देखो मेन रोड दिखता है आपको, यहाँ से टैक्सी वगैरह मिलती हैं, चारों तरफ से मिलते हैं, है ना। ये देखो क्या व्यू यहाँ का आ रहा है, मैंने सारे तल जैसे आपको दिखा दिया, ये प्रथम तल, द्वितीय तल और तृतीय तल से, देखो आप लास्ट तल्ले की सीन। अब हम चलते हैं नीचे जहाँ हमारे सारे मित्र लोग हैं। आ गए नीचे, ये रास्ता खाली छोड़ दीजिए, और अब चलते हैं इस सेकंड वाले पे, ये यहाँ भी देखते हैं, यहाँ का भी दर्शन करते हैं। ये सबसे ऊपर आपको घुमा दिया, लेकिन कुछ चीज़ें शेष रह गई हैं जिनको दिखाना बाकी है। ये रहा, क्या बात है, यहाँ कुछ दरवाजे भी बने हुए हैं जिसके अंदर भी आप जा सकते हैं। ये देखो एंट्री है, इधर एंट्री है भाई, हमने पूछ लिया, इधर जा भी सकते हैं। ये देखो बिरंगिया पतैया का कार्य चल रहा है यहाँ पे। कभी तो मिलेंगे आके बिहार, ये देखो पूरा हवा महल, पूरा मैं घुमा रहा हूँ आपको, पूरा फुल वीडियो। हवा महल, हवा आने की आने जाने की अच्छी व्यवस्था है यहाँ पे, देखो ये देखो हवा महल, क्या कलाकारी है यहाँ के लोगों की, क्या सीन है यहाँ का। Thank you.
ये देखो अब चल रहे हैं वापस हम लोग। ऊपर देखते यहाँ क्या है, सब तो घूम लिया। यहाँ से कुछ खास नहीं विशेष नहीं दिख रहा है, जो भी एक सब हल्का फुल्का है। ये हो गया ऊपर से नीचे प्रथम तदिति, तब नीचे एक और बना है जहाँ मैं देखने जाता हूँ अभी, गया रही हूँ इस रास्ते इस क्योंकि तो रास्ता चारों चार तरफ से है तो किसी भी रास्ते कहीं भी जा सकते हैं। आ रहे हैं नीचे तल पे, ये देखो ये यहाँ पर कुछ स्मृतियाँ बनी हैं उनको दिखाता हूँ मैं आपको फोटो के द्वारा। कुछ नृत्य संगीत करते हुए उनकी कुछ फलकियाँ हैं और उधर भी बने, वहाँ भी चलते हैं घुमाते हैं आपको वहाँ पर। गाइज आइए बात कर लेते हैं हवा महल के बारे में। पांच रोचक तथ्य। हवा महल में कोई प्रवेश हेतु दरवाजा नहीं है क्योंकि यह सिटी पैलेस का एक हिस्सा है। और हवा महल के बारे में एक अजीब बात है कि हवा महल का कोई नींव नहीं है, इसलिए यह दुनिया का सबसे ऊंचा इमारत में शामिल है जिसकी कोई नींव ही नहीं है। हवा महल पूर्ण रूप से श्री कृष्ण को समर्पित है क्योंकि जिन्होंने इसे बनवाया था महाराजा प्रताप सिंह वो श्री कृष्ण के अनन्य भक्त हुआ करते थे। हवा महल में कुछ 953 खिड़कियां हैं जिन्हें झरोखे कहा जाता है। आइए इनको भी दिखाते हैं, इनके बारे में आप वीडियो को स्लो मोशन में करके देखिएगा, आपको समझ में आएगा। गाइस ये है मृदंग वादनी मूर्ति, है ना? देखो दोस्तों हवा महल का इतिहास तो बहुत काफी प्रसिद्ध है और दिलचस्प भी है। इसे महाराजा सवाई सिंह ने 1799 में दरबार के हरम के लिए बनाया था ताकि वे शाही जुलूस और सड़क पर होने वाली जिंदगी को देख सके। गुलाबी और लाल बलुआ पत्थर से बनाया महल अपनी शानदार वास्तुकला और इसकी 953 खिड़कियों पर बनी खूबसूरत झाली के लिए जाना जाता है। महाराजा सवाई सिंह के पसंदीदा रिसॉर्ट के रूप में जाने जाने वाला यह महल चंद लाल चंद उस्ता नामक वास्तुकार द्वारा डिजाइन किया गया। इस महल में 5 मंजिला, हर मंजिल का नया नाम मंदिरों के नाम पर रखा। हवा महल के और करीब आ गए हैं, और अंदर निचली सतह पर। हवा महल की वास्तविक वास्तुकला की 5 मंजिला आकृति से परिभाषित होती है जो लगभग 50 फीट तक ऊंची होती है। ऊंचा मखौटा एक छत्ते जैसा होता है जिसमें छोटे छोटे पोर्ट होल हैं जिसमें प्रत्येक में छोटी छोटी खिड़कियां नक्शीदार बलुआ पत्थर की ग्रिल और फिनियल है। हालांकि इसके भड़कीले बाहरी हिस्सों की तुलना में आरंगिक भाग में न्यूनतम सजावट तत्व हैं। हवा महल की स्थापत्य शैली हिंदू राजपूत और इस्लामी मुगल प्रभावित डिजाइनों का एक अविश्वसनीय मिश्रण है। इसके अंदरूनी हिस्सों में अलग अलग रंग के संगमरमर जड़े हुए हैं और पैनल ग्लाइडिंग वाले बड़े कक्ष हैं। इसका प्रवेश एक बड़े शाही दरवाजे से होता है जो फव्वारे से भरे आंगन को जाता है और 2 मंजिला इमारत में घिरा हुआ हवा महल का यह शानदार मंदिर और मंजिल है। हवा महल के फलकों का दर्शन, आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए कि वीडियो कैसी लगी। उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई हो। चैनल पर पहली बार चैनल को लाइक करके सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को आप पे सेट कर दीजिए जिससे हमारी नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसे प्यारे प्यारे ब्लॉग वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, सत श्री अकाल, शब्बा खैर।